क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। स्कूली छात्रों को पढ़ाई जाएगी पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। गुजरात बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषी रिहा, 2008 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर धमकी, अलकायदा ने मुसलमानों को नूपुर शर्मा से बदला लेने के लिए उकसाया, कश्मीर में जिहाद छेड़ने की बात कही। दलित छात्र के पिटाई से मौत पर विधायक का इस्तीफा, कांग्रेस एमएलए बोले समाज पर अत्याचारों से दुखी सरकार के रवैये से भी निराश। पंजाब सीएम भगवंत मान का ऐलान, हजारों मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, युवाओं को डिग्री के मुताबिक यही नौकरी मिलेगी। लाल किला हिंसा पर आप मंत्री ने चुप्पी तोड़ी, लालजीत भुल्लर बोले मैं किसान का बेटा, किसान आंदोलन में जाकर कुछ गलत नहीं किया। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति पर सियासत, सुखबीर बोले 11 में एक भी सिख जज नहीं, 80% कुर्बानी देने वालों को ये कैसा तोहफा। राज्य के हर अंग को न्याय देना चाहिए, सीजेआई रमना बोले न्याय देना केवल अदालतों का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक है। दस राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, एमपी के शिवपुरी में रिहायशी इलाकों में घुसा मगरमच्छ, मनाली में पुल टूटा, महिला समेत दो बहे। लुधियाना में सीएम मान का विरोध, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन से पुलिस की धक्का मुक्की, महिलाओं की चुनरियां फाड़ी। कर्नाटक के शिवमोगा में पोस्ट विवाद, सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर दो गुट भिड़े, चाकूबाजी हुई, धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर में एक घंटे के भीतर दो हमले, आतंकियों ने दो अलग अलग जगह पर ग्रेनेड फेंका, एक पुलिसकर्मी सहित दो घायल। अटल जी की चौथी पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य, 50,000 दर्शक पहुंचे रिट्रीट देखने, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंजा बॉर्डर। पंजाब में एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति का नया नियम, अब पहले मोहल्ला क्लिनिक में देनी होगी ड्यूटी, 2 से 3 साल बाद जाएंगे अस्पताल। सहारनपुर में हाथों में तिरंगा लेकर हाफ मैराथन में दौड़ी पुलिसकर्मी, आरक्षी दीपा रही अव्वल, पूनम ने दूसरा तो पायल को मिला तीसरा स्थान। मुरादाबाद में शहीद पुलिस वालों के परिजनों का सम्मान, एसआई ठाकुरदास को राष्ट्रपति पुलिस मेडल, कई पुलिस वालों को मिला डीजी सम्मान चिन्ह। गाजियाबाद में देश की सबसे बड़ी रेल लिंक लाइन तैयार, डीडीएफसी के ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ेगी ये लाइन। अयोध्या में मस्जिद ट्रस्ट ने धन्नीपुर में तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान कर भारत माता के जयकारे लगाए गए, 3 महीने से शुरू होगा निर्माण।
हापुड़ में हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ी महिला जवान, पुलिस लाइन में अमृत महोत्सव के तहत तो ही हाफ मैराथन, महिला पुलिस और उसके बच्चे हुए शामिल। गाजीपुर में मां ने अपने तीन बच्चों को चाय में दिया जहर, तीनों मासूमों की मौत। गाजीपुर में पति से फोन पर हुआ था झगड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर दो शहरों में बवाल, लखनऊ के बंगला बाजार में तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव, प्रयागराज में युवक को मारी गोली। बिकरूकांड के शहीदों के परिजनों का सम्मान, पुलिस कमिश्नर बोले भाई पिता और बेटे की तरह निभाएंगे जिम्मेदारी। यूपी में फेस्टिवल सीजन से कोरोना रिटर्न्स, 15 दिनों में 165% बढ़े केस, फिर डॉक्टर्स होने लगे संक्रमित। बिजनौर में तिरंगा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी, आंगनबाड़ी वर्कर के घर के बाहर चस्पा मिला खत, पुलिस ने दी सिक्योरिटी। आजमगढ़ ऋषि मनीषियों की धरती पर आतंक का ग्रहण, 29 साल से आतंकी घटनाओं से जुड़ता रहा है नाम। आगरा में ताज एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी, ट्रेन में बैठे यात्री को युवक ने सूचना दी, 1600 यात्रियों की सांसें अटकी, 2 घंटे तक हुई चेकिंग। अंबेडकर नगर में भाजपा नेता ने फहराया उल्टा तिरंगा, स्कूल में ध्वजारोहण कर रहे थे, सपा ने कहा भाजपा आरएसएस ने हमेशा ध्वज का अपमान किया। सहारनपुर में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों में आमने सामने से चली गोली, 1 गिरफ्तार 2 फरार। भदोई में शिनाती का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, कई इलाकों में पुलिस ने की छापेमारी, बदमाशों की कर रही तलाश। रायबरेली में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 75, होम आइसोलेशन में रखा गया। वरुण गांधी की ट्वीट के जरिए अपील, लिखा सड़कों पर ना मिले फेंका हुआ तिरंगा, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी। फ्लिपकार्ट ऑफिस में गन पॉइंट पर 19 लाख लूटे, फतेहपुर में डीए एसपी आवास के बीच हुई वारदात, 5 दिन का कलेक्शन ले गए। कन्नौज में करंट लगने से एक शख्स की मौत, इन्वर्टर में डाल रहा था पानी, नहीं बंद किया था स्विच। कानपुर देहात में पिता की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या, देर रात नशे की हालत में पहुंचा घर, फटकारने पर कमरे में लगा ली फांसी। बुलंदशहर में मुखबिर के शक में हुई थी ओम प्रकाश की हत्या, 9 दिन पहले भतीजे ने ही किया था मर्डर, अवैध हथियारों का सौदागर है आरोपी। रामपुर में फ्लाईओवर को तोड़कर हुए ट्रक ने ट्रेन पर गिरा, दूध के पैकेट से भरा ट्रक रामपुर जा रहा था, चंडीगढ़ एक्सप्रेस का इंजन क्षतिग्रस्त। ट्रक घर में घुसा, रिटायर्ड दरोगा समेत 4 की मौत, मैनपुरी में खाना खाकर पूरा परिवार सोया था, बेकाबू ट्रक ने पूरा घर किया ध्वस्त। लखनऊ में 17 लाख की चॉकलेट चुरा ले गए चोर, चिन्हट में व्यापारी ने घर में बना रखा था गोदाम, डीवीआर भी उखाड़ ले गए साथ। बदायूं में लाठी लेकर दौड़ी शिक्षिका, वीडियो वायरल, प्रधान पर एमडीएम का पैसा निकालने का आरोप, 3 के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर।
गाजियाबाद में बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा 5 लाख क्यूसेक पानी। बागपत से दिल्ली तक अलर्ट। संगम में निकली नौका तिरंगा यात्रा। जल पुलिस और पीएससी के जवानों ने राष्ट्र प्रेम का दिया संदेश। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में तिरंगा के नीचे फिल्मी गानों पर डांस। लॉलीपॉप लागेलू गाने पर 200 छात्रों ने लगाए ठुमके। आजादी का जश्न। मुरादाबाद में देशभक्ति के तराने पर थिरके लोग। नदी से लेकर सड़कों तक तिरंगा यात्राएं। बदायूं में आजादी के जश्न में डूबी खाकी। बिनावर थाने की महिला सिपाहियों ने जलवा तेरा जलवा गाने पर जमकर किया डांस। केदारनाथ में टूटे आस्था के सभी रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पहुंची 10,08,000 पार। उत्तराखंड में योग गुरु रामदेव ने मदरसे में फहराया तिरंगा। मुस्लिम समाज के लोगों संघ निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री साहसनीय सेवा पदक से नवाजा। उत्तराखंड में आफत की बारिश। बरसात के बाद केदारनाथ हाईवे समेत कई सड़कें बंद। यात्री रहे परेशान। उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन बना यात्रियों के लिए आफत। कई जिलों में सड़कें बंद। ट्रैफिक डाइवर्ट। आज हल्द्वानी पहुंचेगा शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा मुख्यालय में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उत्तराखंड के बाजपुर में जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत। मायके वालों का आरोप, दहेज के लिए की हत्या। उत्तराखंड के किच्छा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूली विवाहिता। पति पर हत्या का आरोप। उत्तराखंड के नैनीताल में होटल में नहाते समय महिला पर्यटक का वीडियो बनाया कर्मचारी गिरफ्तार। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा ने दुनिया को कहा अलविदा। राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। हरिद्वार में अंडे बेचने का विरोध करने पर भाजपा नेता ने युवक को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हिमालयी राज्यों के लिए उत्तराखंड बनेगा रोल मॉडल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने बताया पूरा प्लान। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी टीचर को किया गया सस्पेंड। 2 दिन पहले किया गया था गिरफ्तार। उत्तरकाशी में मोबाइल टावर से बीटीएस चोरी कर विदेश बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। चीनी स्पाई शिप युआन वांग 5 श्रीलंका पहुंचा। 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर रहेगा। शिप के मूवमेंट पर इंडिया नेवी की नजर।
पाकिस्तानी म्यूजिशियन ने बजाई राष्ट्रगान की धुन, रबाब पर सुरीली धुन दी, लिखा सरहद पार के दर्शकों को मेरी ओर से तोहफा। म्यांमार में सू की को फिर 6 साल की सजा, भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी करार, चैरिटी के नाम पर घोटाले का आरोप। सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान में करेंगे वापसी, भाई को पनामा पेपर्स केस से बचाएंगे शहबाज शरीफ। हार्वर्ड के प्रोफेसर का दावा, प्रशांत महासागर में क्रैश हुई थी एलियन टेक्नोलॉजी, चुंबक के जरिए निकालेंगे बाहर। श्रीलंका को भारत से मिला डोर्नियर एयरक्राफ्ट, समुद्री निगरानी के काम आएगा, नेवी के वाइस चीफ ने रानिल विक्रम संघे को सौंपा। ट्रंप ने एफबीआई पर लगाया पासपोर्ट चुराने का आरोप, पूर्व यूएस प्रेसिडेंट ने कहा घर की तलाशी के दौरान अधिकारी मेरे 3 पासपोर्ट ले गए। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, बोले दोस्तों को देंगे दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियार। ब्रिटेन ने कोरोना के मूल और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नए बूस्टर डोज को दी मंजूरी, ऐसा करने वाला बना पहला देश। रूस और अमेरिका के परमाणु युद्ध से 5 अरब लोगों की होगी मौत, नई स्टडी ने बताया भारत पाकिस्तान के बीच जंग का परिणाम। एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डिजी यात्रा ऐप। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, 52,000 के करीब बना हुआ है सोना, चांदी लुढ़ककर 58,000 के नीचे आए। गूगल कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी, कंपनी ने कहा यदि अगली तिमाही के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो छटनी के लिए तैयार रहें। महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रॉनिक SUV से उठाया पर्दा, 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पकड़ लेगी, 2024 से 2026 के बीच होगी लॉन्च। ओला की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार 2024 में आएगी, सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज, 4 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पकड़ लेगी। अब FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, SBI के बाद अब इंडसइंड बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाई। जियो का नया इंडिपेंडेंस रिचार्ज ऑफर, 2 GB डेली डाटा, अनलिमिटेड फोन कॉल सहित दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। IRCTC को शेयरों से हुई बंपर कमाई, 18 अगस्त से हिस्सेदारों के लिए जारी करेगी लाभांश। ईरान की अपने नागरिकों को चेतावनी, क्रिप्टो करेंसी को खरीदने से बचने की बात कही, खरीदना बेचना गैरकानूनी बताया। क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट के 4.65 करोड़ डॉलर के एसेट्स पर ईडी ने लगाई रोक, वॉल्ट को कई कारणों से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फीफा से AIFF के निलंबन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने की तत्काल सुनवाई की मांग। इयान चैपल ने 45 साल बाद टीवी कमेंट्री से लिया संन्यास, उन्होंने करीब 45 साल तक क्रिकेट कमेंट्री की और दर्शक उनकी आवाज के दीवाने थे।
एबी डिविलियर्स के जैसे खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने की तारीफ। जसप्रीत बुमराह के चोट पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान, कहा उनका गेंदबाजी एक्शन मुख्य कारण। फीफा प्रतिबंध की धमकी पर सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों को दी खास सलाह, कहा ज्यादा ध्यान मत दो। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को किया सस्पेंड, अक्टूबर में होने वाला अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप भी टला। अख्तर बोले, मुझे नहीं पता था सचिन तेंदुलकर कौन है, मैं अपनी दुनिया में खोया था, सामने नहीं देखता था कि कौन सा बल्लेबाज खड़ा है। राशिद खान का तूफान, 10 गेंद में पलट दिया मैच, 310 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर गेंदबाजों को उड़ाए होश। किस्मत ने मारी ऐसी पलटी, बैटर एक नहीं बल्कि दो बार एक ही गेंद पर आउट होने से बच गया, देखकर यकीन नहीं हुआ। इंग्लिश के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टॉक का बड़ा बयान आया सामने, कहा एक साथ चल सकते हैं टेस्ट और टी20 क्रिकेट। बॉलीवुड फिल्म में ना चलने पर अनुराग कश्यप का हमला, बोले दर्शक का पैसा पनीर पर जीएसटी देने से बचेगा तभी तो वो थिएटर जाएंगे। विपाशा बसु और करण सिंह ने फैंस को दी खुशखबरी, शादी के 6 साल बाद मां बनने वाली है विपाशा। नयनतारा और विघ्नेश ने स्पेन में मनाया 15 अगस्त, आजादी के 75वें साल के मौके पर स्पेन की सड़कों पर लहराया तिरंगा। एक्टर के साथ साथ सिंगर बने ऋतिक रोशन, देशभक्ति सॉन्ग हिंदुस्तान मेरी जान गाया, एक्स वाइफ सुजैन खान ने किया रिएक्ट। रणबीर की फिल्म के सेट पर लगी आग, FWICE ने डायरेक्टर लव रंजन से की सेट पर मरने वाले पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग। कृति सेनन का BTS वीडियो वायरल, फेमिना मिस इंडिया 2022 में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए डांस प्रैक्टिस करती नजर आई एक्ट्रेस। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का क्यूट वीडियो वायरल, ट्रेंड पर कपल ने बनाई रील, बिग बॉस 15 में हुई थी दोनों की मुलाकात। जॉन अब्राहम ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट, अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही रिलीज होगी तारिक, जॉन ने पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। स्क्रीन पर एक बार फिर दिखेगी सिद्धार्थ कियारा की जोड़ी, अनोखी लव स्टोरी, अदल बदल में साथ रोमांस करते आएंगे नजर। राहुल जैन के खिलाफ FIR दर्ज, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ने लगाया रेप का आरोप, सिंगर बोले मैं महिला को नहीं जानता, ये केस फर्जी है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।